ओके सो विद दिस लेक्चर हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इट इज फ्रॉम द सेक्शन ऑफ ऑप्टिक्स एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज वेव ऑप्टिक्स। इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। कोई भी लेवल का एग्जामिनेशन आप कंसिडर करें, चाहे थियोरी बोर्ड्स के हिसाब से सोचें आप या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें, तो वेव ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है और मानो जैसे एक काइंड ऑफ कंपलसरी चैप्टर है। बिना वेव ऑप्टिक्स के कंसेप्ट्स को यूज़ किए मैं समझता हूँ कोई क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन ही नहीं हुआ है अभी तक, बना ही नहीं है। चाहे आप उसको नीट के लेवल पर देखें, बोर्ड्स के लेवल पर देखें, जेई मेन के लेवल पर देखें और कुछ हद तक आईआईटी एडवांस के लेवल पर भी अगर हम देखें। हालांकि आईआईटी एडवांस में हम उसे कंपलसरी कंसिडर नहीं करते, लेकिन जेई मेन तक हम उसे कंपलसरी कंसिडर करते हैं। देखिए इस चैप्टर की जो बैकग्राउंड है, इसकी जो शुरुआत है, वो हमने क्लास 11th में की थी, जहां हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स डिस्कस किया था, दी कंसेप्ट्स रिलेटेड टू मिरर्स, लेंस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ हद तक माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप की बेसिक्स को समझने की कोशिश की। तो वहां से ये सारा हमारा आइडिया कंटिन्यू होता 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 चल रहा है। अच्छा, हम जितना भी लाइट के बारे में जानते हैं, कंसिडरिंग दी स्कोप ऑफ क्लास 11th एंड 12th सिलेबस, हम बस यही जानते हैं कि लाइट के फिनोमिनल बिहेवियर कैसे कैसे हैं, मतलब फिनोमिना बेसिस पर लाइट का बिहेवियर कैसा है। भाई लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, लाइट में कलर्स होते हैं, डिस्पर्शन हमें दिखाई देगा, प्रिज्म के साथ हम उससे उसका यूज़ करते हैं या मिरर्स और लेंसेस को यूज़ करते हैं तो हम इमेज फॉर्म करते हैं। इमेज की फॉर्मेशन भी हम कुछ हद तक कहते हैं कि भाई डिमिनिश्ड हो गई, इन्वर्ट हो गई, मैग्निफाई हो गई, रेक्ट है, एंड सो ऑन सो ऑन एंड सो ऑन। और आगे बढ़ते हैं तो वी हैव सेवरल फिनोमेनाज ऑफ लाइट, लाइक इंटरफेरेंस एक फिनोमेना है, डिफ्रैक्शन एक फिनोमेना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ हद तक हम कहते हैं, वो भी एक फिनोमेना हम आगे देखेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट है। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम जितना भी लाइट के बारे में जानते हैं वो सब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि लाइट का बिहेवियर कैसा है, लाइट जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो कैसे बिहेव करेगी, और फिर अपने आप में लाइट किस तरीके से अपने फिनोमिनास को एक्सप्रेस करेगी, ये हमारा एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन है अब तक। इतना हमने कुछ लाइट के बारे में सीखा, बट हमने कभी भी कहीं भी ऐसे किसी क्वेश्चन को आंसर नहीं किया कि व्हाट इज लाइट, लाइट का एग्जिस्टेंस एक्चुअली में कैसे है, इन विच फॉर्म डज इट एग्जिस्ट, लाइट होती कैसी है, दिखती कैसी है, मतलब ठीक है किस चीज को हम लाइट कहें, विजिबल लाइट जिसे हम कहते हैं किस चीज को कहें, और एकदम रफ मतलब बिल्कुल सिंपल जुबान में कहें तो भाई लाइट की बनावट कैसी, किसे लाइट कहा जाए। ठीक है, एक कॉमन आंसर हमको अक्सर यहाँ पे मिलता है कि लाइट इज एनर्जी, बट एनर्जी डू एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्मेट्स, एनर्जी का जो एग्जिस्टेंस है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो फिर उसमें लाइट कैसी है, किस तरीके से वो एग्जिस्ट करती है, उसके एग्जिस्टेंस का नेचर कैसा है। फ्रैंकली अगर कहा जाए तो जितना भी सिलेबस हमने अब तक कवर किया है उसमें हम कहीं भी इस चीज को एड्रेस नहीं करते हैं, आंसर नहीं करते हैं इस बात को कि लाइट की नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस कैसी है। अब इस चैप्टर में इस बात की शुरुआत होती है कि लाइट कैसी, उसका नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, लाइट कैसी है, और लाइट के उस एग्जिस्टेंस को कंसिडर करते हुए फिर हम आगे बात करेंगे कि हम रिफ्लेक्शन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन एक फिनोमेना है, और इंटरफेरेंस, ये सारी फिनोमेना हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक्चुअली इस चैप्टर को हम देखें तो एक
लिंक की तरह हम एस्टेब्लिश करेंगे कि भाई ये लाइट का बिहेवियर है, ये लाइट की एग्जिस्टेंस है, और इस एग्जिस्टेंस के बिना पे हम इस लाइट के फला फला बिहेवियर को, सो एंड सो बिहेवियर को ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये चैप्टर का एक कह लीजिए थीम है, इस तरीके से चैप्टर आगे बढ़ेगा। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। यस, कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई लाइट का एग्जिस्टेंस कैसा है, इस पर हम पहले एक कंफर्मेशन पर आ जाएं कि भाई लाइट ऐसी ऐसी है, ये फॉर्म है लाइट का, और फिर उस फॉर्म को इमेजिन करते हुए लाइट के बिहेवियर को और उसकी प्रॉपर्टीज को समझा जाए या एक्सप्लेन किया जाए। अब ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, मे बी यू विल फाइंड दैट इट इज वेरी सिंपल। सर क्या है लाइट का एग्जिस्टेंस बताना, ऐसा कौन सा बहुत बड़ी बात है? बोल देंगे भाई लाइट एनर्जी है। लेकिन याद रखें, अगर आप लाइट को एनर्जी बोलते हैं तो फिर आपको ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि वो एनर्जी रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है, उसका पूरा मॉडल बना के बताना पड़ेगा। तो सिर्फ एनर्जी बोलने से काम नहीं चलेगा, या आगे चल के हमें रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, पता नहीं जो भी लाइट का बिहेवियर है, डिस्पर्शन, सब बताना पड़ेगा। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वन लाइन स्टेटमेंट, चलिए मान लीजिए लाइट ऐसी है, ऐसा नहीं चलेगा। हमें कुछ कॉन्क्रीट अजम्पशंस के साथ लाइट को मॉडल करना पड़ेगा, लाइट को बताना पड़ेगा, लाइट को इमेजिन करना पड़ेगा, या लाइट का एक एग्जिस्टेंस हमें अज्यूम करना पड़ेगा। और उस मॉडल के जो पॉइंट्स हैं, जो अजम्पशंस हैं, उनके बिना पे हम कैपेबल हों कि लाइट के पूरे पूरे बिहेवियर को हम एक्सप्लेन कर पाए। हर चीज जो भी लाइट बिहेव कर रही है, चाहे उसका मैटर के साथ इंटरेक्शन हो, चाहे वो अपना खुद का कोई फिनोमेना दिखा रही हो, तो हर चीज हमें लाइट की एक्सप्लेन करने आनी चाहिए, ऐसा मॉडल हमें बनाना। तो ये इतना आसान नहीं है। अब इसकी जो शुरुआत है बहुत पहले हुई है, न्यूटन के जमाने में। तो इन अवर सिलेबस वी विल बी डिस्कसिंग फोर डिफरेंट थियोरीज, चार अलग अलग थियोरीज पर हम लोग आज बात करेंगे, जिसमें से पहली जो थियोरी है वो न्यूटन की ही है। सेकेंड थियोरी जो हम बात करेंगे दैट इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज हाइजिन, नेम्ड एज हाइजिन, हाइजिन ने एक थियोरी बताई, क्रिस्टीन हाइजिन नाम है साइंटिस्ट का। थर्ड थियोरी जो हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में वो है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी, और लास्ट में फिर हम आते हैं मैक्स प्लैंक क्वांटम थियोरी। तो ये फोर डिफरेंट थियोरीज हैं। इन चारों थियोरीज में लाइट का इमेजिनेशन, उसकी एग्जिस्टेंस को अलग अलग फॉर्म में कंसिडर किया गया है, कुछ वेरिएशंस के साथ कि भाई लाइट ऐसी होती होगी, एंड सो ऑन। इनमें से कुछ थियोरीज एक्सेप्टेबल हैं, कुछ हमने रिजेक्ट करनी है, प्रैक्टिकल बातों पे जब वो खरी नहीं उतरती हैं तो हमने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। कई बार हम लाइट को एक पर्टिकुलर थियोरी से एक्सप्लेन करते हैं और उसके दूसरे फिनोमेना के लिए दूसरी थियोरी से भी हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। दैट समटाइम्स वी से दैट लाइट हैज गॉट ड्यूअल नेचर। अब ये ड्यूअल नेचर की बात एकदम आगे आएगी, मतलब दो दो नेचर हम उसके मानते हैं, दो दो एग्जिस्टेंस, दो दो फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस को हम कंसिडर करते हैं, करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक एग्जिस्टेंस से एक फिनोमेना एक्सप्लेन हो रहा है तो दूसरे एग्जिस्टेंस से दूसरा फिनोमेना एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहले वाले एग्जिस्टेंस से दूसरा फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं होता है और दूसरे वाले एग्जिस्टेंस से पहला वाला फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं होता है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स कंडीशन क्रिएट हो। शायद मैंने इसको ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ऐसा लग रहा है मुझे। ये इतना भी, मतलब लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाँ बिल्कुल, जब ये पहली पहली बार बताई गई होंगी चीजें तो लोगों को हिम्मत लगती है कुछ नई बात बताने के लिए। आपने एक चीज को समझा और आप उसे दुनिया में, दुनिया को बता रहे हो, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए बहुत हिम्मत लगती है, डेयरिंग लगती है, कॉन्फिडेंस लगता है कि भाई जो मैं समझ रहा हूँ ये देखिए ये चीज ऐसी है, फिर आप उसे प्रैक्टिकली चेक करें, अगर सही है तो एक्सेप्ट करें, अदरवाइज रिजेक्ट करें। सो इट्स डेयरिंग का काम है ये। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो लाइट के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करती हुई जो सबसे पहली थ्योरी हम सिलेबस में पढ़ेंगे, मैं स्कोप ऑफ सिलेबस को ध्यान में रखकर ही बात करूं, वो है न्यूटन्स कर्पस्क्यूलर थियोरी। बड़ी इंटरेस्टिंग सी थियोरी है, आसान है, पॉइंट बाय पॉइंट में हर एक चीज आपके सामने रखा जाऊंगा। कुछ एक चीज तो बस मुझे स्टेट करनी है और कुछ चीजों को मुझे एक्सप्लेन करना है।
न्यूटन्स कर्पस्क्यूलर थियोरी ऑफ लाइट बेसिकली। तो अब न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने ये अज्यूम किया कि लाइट जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है। न्यूटन का अजम्पशन ये था कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। देखा जाए तो न्यूटन ने लाइट को मैटर की तरह ट्रीट किया। मैटर पार्टिकल वो बोल रहा है, इसका मतलब मैटर हो गया ना, स्मॉल पार्टिकल उसने कंसिडर किया। और एक्चुअली उन्हीं पार्टिकल्स को उसने लेबल किया, नेम दिया कॉर्पस्क्यूल्स। ठीक है, व्हाट ही सजेस्टेड दैट लाइट इज मेड अप ऑफ, जस्ट वन सेकेंड, स्टाइलस मेरा नहीं चल रहा है, इज इट वर्किंग? जस्ट वन सेकेंड। जस्ट वन सेकेंड, यस। सो आई वॉज ऑन अ पॉइंट के न्यूटन ने लाइट को मैटर की तरह इमेजिन किया, मैटर समझ रहे हो ना, और उसे उसने कंसिडर किया कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, एकदम छोटे टाइनी पार्टिकल्स। एंड ही लेबल्ड, ही नेम्ड दोज पार्टिकल्स एज कॉर्पस्क्यूल्स। अब जो कोई भी सोर्स लाइट एमिट कर रहा है, तो एज पर न्यूटन वो सोर्स क्या कर रहा है, इन पार्टिकल्स को निकाल रहा है, पार्टिकल्स को अपने अंदर से छोड़ रहा है। अगला क्वेश्चन या अगला अजम्पशन न्यूटन के हिसाब से, भाई ये पार्टिकल अगर आप मान रहे हो तो ये कैसे है? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा उसने बताया कि दीज पार्टिकल्स आर टाइनी, छोटे से एकदम, छोटे में भी छोटा बोलते हैं ना उसको, टाइनी बोलेंगे, रिजिड, हाईली इलास्टिक एंड वेटलेस। ठीक है, तो ये फोर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उसने बता दी, टाइनी है, रिजिड है, हाईली इलास्टिक है और वेटलेस है। बट याद रखिए कि उसने उसे पार्टिकल ऑफ मैटर माना है, सोर्स में से लाइट निकल रही है मतलब पार्टिकल निकल रहे हैं, ऐसा इमेजिन किया उसने। व्हाट दीज पार्टिकल्स विल डू, ये पार्टिकल क्या करेंगे जब ये किसी सोर्स से इमिट करेंगे, या सोर्स उसे इमिट करेगा, सोर्स में से जब ये निकलेंगे तो व्हाट दीज पार्टिकल विल डू। द न्यूटन आंसर दिस क्वेश्चन एज के दीज पार्टिकल्स, दीज कॉर्पस्क्यूल्स, दे विल ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ वेरी हाई स्पीड एंड इन अ सिंगल डायरेक्शन एक्चुअली। ठीक है, विथ अ कॉन्स्टेंट एंड अ वेरी हाई स्पीड इन अ सिंगल डायरेक्शन इन अ गिवन मीडियम। जब तक मीडियम नहीं बदलता है, जैसे एयर में ये लाइट ट्रेवल कर रही है, एयर में ये लाइट के पार्टिकल चल रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे, एंड दे विल बी ट्रेवलिंग विद अ वेरी हाई स्पीड। सो लाइन से आप इन तीनों बातों को याद रख सकते हैं। पहले तो ये न्यूटन ने कहा कि लाइट एक पार्टिकल से बनी हुई है, मतलब लाइट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, दोज पार्टिकल्स आर नेम्ड एज कॉर्पस्क्यूल्स, मतलब न्यूटन ने लाइट को मैटर माना। फिर उसने कहा कि ये पार्टिकल टाइनी हैं, रिजिड हैं, हाईली इलास्टिक हैं एंड दे आर वेटलेस, दे विल बी कंटिन्यूअसली ट्रेवलिंग विद अ वेरी हाई स्पीड इन अ सिंगल डायरेक्शन इन अ गिवन मीडियम। नेक्स्ट, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि भाई लाइट है, हमें कैसे पता चलेगा, इंसानों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे लाइट है? तो हम लाइट को छू के तो नहीं देख सकते, है ना, किसी जगह पे आंखें बंद कर ले और ऐसे हाथ इशारा करके चेक कर ले लाइट है क्या, तो आप छू के तो नहीं देख सकते। तो इसने बिल्कुल लॉजिकल इसका एक अजम्पशन बताया कि ये पार्टिकल्स जब हमारी आईज में एंटर करेंगे, जब हमारी आंखों में ये पार्टिकल जाते हैं, तो ये हमारी आंखों में लाइट का सेंसेशन क्रिएट करते हैं, दे विल क्रिएट सेंसेशन ऑफ लाइट व्हेन दीज कॉर्पस्क्यूल्स एंटर इन अवर आईज। ओके, सो बड़ी सिंपल सी थियरी है। अगला क्वेश्चन उसने ये आंसर किया कि हम ये देखते हैं कि लाइट हैज गॉट डिफरेंट कलर्स। ठीक है, वैसे इनफाइनाइट कलर्स हैं लाइट के पास, बट विजिबली तो सेवन कलर्स हम लोग बोलते हैं, तो ये कलर्स क्यों हैं? तो ही सजेस्टेड दैट कि जो कलर्स हैं ये डिफरेंट साइज ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से हैं। अब देखिए, छोटे पार्टिकल्स हैं तो वो छोटे में भी कोई बहुत छोटा होगा, कोई मीडियम होगा, कोई बड़ा होगा, ऐसा हो सकता है ना, जैसे डस्ट पार्टिकल। अब ऊपर से देखेंगे तो सारे डस्ट पार्टिकल एक ही जैसे दिखेंगे, लेकिन जाके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कोई छोटा होगा, कोई छोटे में भी छोटा होगा, कोई और बड़ा होगा उसमें, ना कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो। अब रेती के पार्टिकल आप उठा लें, सैंड डस्ट उठा लें आप हाथ में, तो
ओवरऑल तो हमें सारे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हम बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो कम ज्यादा साइज होगा ना उनका। तो व्हाट न्यूटन सजेस्टेड कि ये इनका जो साइज का वेरिएशन है उसकी वजह से लाइट के पास कलर्स आते हैं। मतलब रेड कलर का कर्पस्क्यूल आप उठा लेंगे तो वो साइज में डिफर करेगा ब्लू या वायलेट या ग्रीन या किसी और कलर से। आ रही बात समझ में बच्चों? यस नाउ कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। न्यूटन ने ये सजेस्ट किया कि लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है ना, हम सब जानते हैं लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। तो न्यूटन ने बड़ी अजीब सी बात बोली। उसने क्या बोला, देखो कि अगर हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग मीडियम है, जस्ट इमेजिन करो कि ये कोई पॉलिश्ड सरफेस है या मिरर है कुछ ऐसा, और ये लाइट की रे आ रही है। तो न्यूटन ने बड़ी अजीब सी बात बोली। उसने क्या बोला, या लाइट के पार्टिकल आ रहे हैं ऐसा बोलना चाहिए मुझे, करेक्टली देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट का पार्टिकल आया। तो न्यूटन ने बोला कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो मीडियम उस पार्टिकल को रिपेल करता है, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हुआ, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन यहां पर रिपल्शन हुआ होगा। जैसे ही ये पार्टिकल इस मीडियम के नजदीक पहुंचा होगा तो जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के सिमिलर पोल को रिपेल करता है, वैसे इस पार्टिकल को रिपेल करके भगा दिया गया। दैट्स वाई वी फाइंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो उसने रिफ्लेक्शन का जो एक्सप्लेनेशन दिया, रिफ्लेक्शन का, वो किस बिना पे दिया, रिफ्लेक्शन रिपल्शन की वजह से। आप समझ पा रहे हैं ना, फील कर पा रहे हैं इस बात को। यस आगे हमें ये भी बताया कि कई बार लाइट का रिफ्रैक्शन भी हो जाता है। हम जानते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है ना एंटर करती है, और एंटर करते हुए वो हल्का सा बेंड हो जाती है। तो ये जो चीज होती है इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो न्यूटन ने इसका बड़ा अजीब सा एक्सप्लेनेशन दिया। उसने बोला जो रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वो लाइट के पार्टिकल को मीडियम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अंदर खींच रहा है, जोर से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और वो अट्रैक्शन के चक्कर में क्या होता है, थोड़ा सा पाथ उसका बेंड हो जाता है। तो उसने एक्सप्लेन किया रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग अ कंसेप्ट ऑफ व्हाट, अट्रैक्शन नो दिस इज एज गिवन बाय न्यूटन। हम इसमें कोई अपना बीच में अपना राय नहीं रख रहे हैं, अपना ओपिनियन नहीं रख रहे हैं। ये जो भी मैं बातें बता रहा हूं इसमें बहुत कुछ गलत है, आगे पता चलेगा, हमको आगे पता चलेगा कि क्या क्या गलत है। बट वी आर नॉट गिविंग आवर ओपिनियन, वी आर जस्ट सजेस्टिंग व्हाट न्यूटन इज, सॉरी, वी आर जस्ट डिस्कसिंग व्हाट न्यूटन हैज सजेस्टेड, ठीक है। अब ये सुनने में ही थोड़ा सा अजीब लगता है ना यार, कि रिफ्लेक्शन रिपल्शन की वजह से हो रहा है ऐसे कैसे, और रिफ्रैक्शन अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। बस न्यूटन ने बता दिया तो हम उसकी थियोरी चला रहे हैं। आगे लास्ट एक अजम्पशन दिया उसने, और उसने ये कहा, और बिल्कुल ही अजीब सी बात बोली, कि अगर हम लाइट की स्पीड को कंपेयर करते हैं, ठीक है, व्हाट न्यूटन हैज सजेस्टेड, वी विल राइट ऑल ओनली दोज पॉइंट, कि लाइट की स्पीड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम ये देखेंगे कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। मतलब स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर्ड इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। मतलब वो कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ग्लास में स्पीड ज्यादा है और एयर में कम है, ठीक है ना, एज न्यूटन इज सजेस्टिंग कि ग्लास में ज्यादा है एयर में कम है। वाटर और एयर में स्पीड देखोगे तो वाटर में ज्यादा है एयर में कम है। ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के खिलाफ है, बात अगेंस्ट है, ये ऐसा होता ही नहीं है। लाइट की स्पीड ज्यादा कहाँ होनी चाहिए, एयर में एयर में ज्यादा होनी चाहिए। इनफैक्ट मैक्सिमम स्पीड जो तो वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, वो हिसाब से सोचे तो। बट व्हाट न्यूटन ने सजेस्टेड, हमने उस पर बात की। तो ये कुछ न्यूटन के पोस्टुलेट्स हैं। फाइनली उसने ये बड़ी अजीब सी बात कही कि स्पीड इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द स्पीड इन रेयर मीडियम। अब इसने तो अपनी थ्योरी दे दी भाई। अब साइंस में एक प्रोसीजर होता है कि आप अगर कोई थ्योरी बताते हैं बड़ी डेयरिंग करके, हिम्मत करके, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग दुनिया के सामने रखते हैं तो दुनिया उसे फौरन एक्सेप्ट नहीं करती है, उस पर चेक एंड बैलेंसेस लगेंगे, उस पर कंफर्मेशन वाले प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे। जो बातें, जो पोस्टुलेट्स, जो अजम्पशन बताए गए हैं उसे एक्सपेरिमेंटली वैलिड करने के बाद ही उस थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो जब हम न्यूटन की इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल लेवल पर चेक करते हैं, फैक्ट्स के साथ चेक करते हैं, प्रैक्टिकली चेक करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि बहुत सारा इसमें गड़बड़ है, बहुत सारा गड़बड़ है। तो एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं कि इस थियोरी में क्या ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, क्या खामियां हैं, क्या गलतियां हैं। बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। जैसे सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूं कि उसका जो एग्जिस्टेंस है लाइट का, जिसने उसे पार्टिकल माना ना और नाम भी दे दिया कर्पस्क्यूल, यही
ऑब्जेक्शनेबल है। इसी चीज को ऑब्जेक्शनेबल हमें लेना चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सोचें और थोड़ा सा फील करें इस बात को कि आपके पास एक लाइट बल्ब है। जस्ट इमेजिन करें कि ये इस तरीके से मैं एक लाइट बल्ब बता रहा हूं, ठीक है, ये लाइट का बल्ब है आपके पास। अब इसमें से लाइट निकल रही है, तो लाइट निकलने का सीधा सा मतलब यहां पर है कि एज पर न्यूटन ऐसे पार्टिकल्स निकल रहे होंगे। ऑफकोर्स ये पार्टिकल्स टाइनी होंगे, रिजिड होंगे, है ना, परफेक्टली इलास्टिक होंगे एंड सो ऑन। ये ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स निकलेंगे। इमेजिन करें कि किसी चीज में से लगातार पार्टिकल ऑफ मास निकलता जा रहा है। किसी चीज में से पार्टिकल ऑफ मास निकलता जा रहा है, तो वो चीज क्या होगी? हाँ, यहाँ मास बहुत कम है उसका, बहुत 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 नेग्लिजिबल है। वेटलेस के हिसाब से हम उसको मानेंगे, लेकिन उसने माना तो ये पार्टिकल ही मैटर ही माना ना उसने। तो अगर किसी चीज में से लगातार पार्टिकल्स बहुत कम मास के ही क्यों ना हो, लेकिन ट्रेमेंडस अमाउंट में निकलते जा रहे हैं, तो वो चीज क्या हो जाएगी? खत्म खत्म हो जाएगी। खत्म होना चाहिए उस चीज को, फिनिश होना चाहिए, गायब होना चाहिए, दिखना ही नहीं चाहिए हमको। जैसे चौक, चौक की एग्जाम्पल ले लें, हम जब भी बोर्ड पर चौक से लिखते हैं तो चौक से वो पार्टिकल छूट के बोर्ड पे चिपक जाते हैं। लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, हम देखें चौक खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें से पार्टिकल निकल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये जो हुआ ना, इसे कहते हैं मास रिडक्शन, मास का रिडक्शन। मैंने अभी लाइट का बल्ब जलाया, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट मैंने लाइट का बल्ब जलाया, देखा तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उसके मास में कमी आना चाहिए था, कमी आना चाहिए अगर मैं न्यूटन की थियोरी को सच मानूं तो। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? नहीं नहीं होता है। कोई सोर्स ऑफ लाइट अपना वेट लॉस नहीं करता है। फिर आप बोलेंगे सर कैंडल, कैंडल होती कम होती कैंडल, आपके मन में एक सवाल आएगा। बिल्कुल, कैंडल जो खत्म हो रही है ना, वो जल के खत्म हो रही है, इट्स बर्निंग। लाइट के बनने की वजह से वो खत्म नहीं हो रही है, ठीक है ना। लाइट, उसमें जो लाइट बन रही है वहां पे, वो कैंडल के बर्न करने की वजह से हो रही है। तो डू नॉट कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ अ कैंडल टू दिस सिचुएशन। अब किसी चीज को जलाओगे तो यार खत्म ही होगी ना वो। यहां एग्जाम्पल कैसे लेना है हमें, कि सोर्स में से लाइट निकल रही है, तो न्यूटन की थ्योरी को सच माना जाए तो पार्टिकल निकल रहे हैं। अब किसी चीज में से पार्टिकल भले ही कितने ही कम मास के हों, अगर वो इस तरीके से निकलते जाएंगे तो वो सोर्स अपने मास को खो रहा है। उस सोर्स का मास कम होना चाहिए, उस सोर्स का मास रिडक्शन में जाना चाहिए। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? नहीं नहीं होता है। सो दैट मेक्स अ वेरी क्रूशियल कंडीशन कि यार फिर लाइट पार्टिकल है कि नहीं है, लाइट पार्टिकल है कि नहीं है, फिर यहां गलती हुई। और अगर है भी पार्टिकल, तो डेफिनेटली डेफिनेटली वो पार्टिकल ऑफ मास तो हो ही नहीं सकती। तो पहला जो ड्रॉबैक पुटअप किया गया, बिल्कुल सादी सीधी जुबान में एकदम, अब न्यूटन है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमने बोला भाई रिडक्शन ऑफ मास उसने एक्सप्लेन नहीं किया, है ना, प्यार से बोला हमने। लेकिन सही मानों में अपनी जुबान में बोले तो यार तू गलत बोल रहा है, यही बात होनी चाहिए थी, है ना, पूरा पूरा तू गलत नहीं बोल रहा है। हो ही नहीं सकता ऐसा कि भाई लाइट सोर्स में से लाइट निकल रही है और सोर्स खत्म हो गया, ये कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। अनटिल अनलेस आप उस सोर्स को जलाएं, बर्न करें, वो अलग बात है, ठीक है ना। उस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग चलाएं, उस चीज को यहाँ पे ना लाएं आप। तो रिडक्शन ऑफ मास उसने एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरा जो बहुत मेजर ड्रॉबैक यहां हमें समझ में आता है, व्हाट न्यूटन हैज सजेस्टेड कि भाई रिफ्लेक्शन क्यों होता है? अट्रैक्शन की वजह से, है ना, यही बोला ना उसने, सॉरी रिपल्शन रिपल की वजह से। मीडियम या सरफेस क्या करता है, कर्पस्क्यूल्स को रिपेल कर देता है, भगा देता है, इसलिए रिफ्लेक्शन होता है, ऐसा न्यूटन कह रहा है। और रिफ्रैक्शन क्यों होता है? अट्रैक्शन अट्रैक्शन की वजह से। जो मीडियम यहाँ पे रिफ्रैक्शन करवा रहा है वो क्या करता है, कर्पस्क्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, ऐसी मीडियम की प्रॉपर्टीज हैं, ऐसा न्यूटन का मानना है, तो उसकी वजह से अट्रैक्शन। लेकिन बच्चों हम प्रैक्टिकली एक बात देखते हैं कि कई सारे ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम हमें देखने को मिल जाएंगे जिसमें अगर हमने लाइट को इंसिडेंट कराया तो लाइट का कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन, कुछ परसेंटेज रिफ्लेक्ट होता है और कुछ परसेंटेज रिफ्रैक्ट होता है। जैसे वाटर पर लाइट को आप इंसिडेंट करा दें, ग्लास पर आप लाइट को इंसिडेंट करा दें, तो थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और बची हुई लाइट रिफ्रैक्ट हो गई।
तो ये कहलाती है साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, एक साथ दोनों हो गए। अब न्यूटन से पूछा जाए भाई रिफ्लेक्शन क्यों हुआ, तो न्यूटन बोलेगा रिपल्शन। रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, तो न्यूटन क्या बोलेगा, अट्रैक्शन। अब आप मुझे बताइए एक साथ रिपल्शन और अट्रैक्शन हो सकते हैं क्या, नहीं, नहीं हो सकते। कोई चीज किसी दूसरी चीज को या तो रिपेल करेगी या अट्रैक्ट करेगी, एक साथ दोनों कैसा हो सकते हैं। मतलब किसी को आप ऐसे बोल दें आई आई डिसलाइक यू बट साइमल्टेनियसली आई लाइक यू, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यू मस्ट से कि भाई या तो रिपल्शन होना पूरी तरीके से या अट्रैक्शन होना पूरी तरीके से। यू कांट से पार्शियल अट्रैक्ट हो रहा पार्शियल रिफ्लेक्ट हो रहा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा तुमको भाई कौन रिफ्लेक्ट हो रहा और कौन अट्रैक्ट। ठीक है, तो कोई उसका एक्सप्लेनेशन न्यूटन के पास नहीं था। तो साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन न्यूटन बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हो गया यहाँ पे, है ना। और आप लोगों को शायद अच्छा भी लग रहा होगा न्यूटन फेल हो रहा है, बेचारा बहुत काम करके गया है। आगे आते हैं, तीसरा और एकदम खतरनाक गलती उसकी, बड़ी गलती एकदम। ये पॉसिबल है क्या बताओ आप, नहीं, बिल्कुल नहीं। आइडियल सिचुएशन में प्रैक्टिकली जब भी हम चेक करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि लाइट की स्पीड रेयरर में ग्रेटर होती है और डेंसर में कम होती है। सो ये भी बहुत बड़ा न्यूटन का मिस्टेक निकला, तो ये तीसरा ड्रॉबैक आ गया। इसके आगे न्यूटन जिस जमाने में ये थ्योरी बता रहा था उस जमाने में और लाइट के बहुत सारे फिनोमेनास पता नहीं थे, नहीं मालूम थे हमें, जैसे कि इंटरफेरेंस पूरा डिटेल में नहीं मालूम था, डिफ्रैक्शन एक फिनोमेना है वो भी नहीं मालूम था, पोलराइजेशन या आगे का बहुत कुछ नहीं मालूम था, सिर्फ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन डिस्पर्शन इतना थोड़ा बहुत ही मालूम था, कलर वलर ये वो। तो ये सारे फिनोमेना जैसे जैसे इन्वेंट होते गए, जैसे जैसे हमें पता चलते गए, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि यार न्यूटन की थ्योरी कहीं भी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। एक छोटा सा स्टेटमेंट हम यहाँ पे और ऐड कर देते हैं कि भाई न्यूटन की थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अ 2 मार्क क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन में कम, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूटन कर्पस्क्यूलर थ्योरी, सो दीज पॉइंट्स वी मस्ट राइट। और एक छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जामिनेशन में कि भाई व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ न्यूटन कर्पस्क्यूलर थ्योरी, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखना है। अब बेसिकली देखा जाए तो ये थ्योरी फेल हो गई है और ये पूरी तरीके से रिजेक्टेड है। हम न्यूटन की थियोरी से किसी भी फेनोमेना को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, हमने पूरी तरीके से न्यूटन की थियोरी को 100% रिजेक्ट कर दिया है, पूरा कंडेम कर दिया है उसको, हम उसको यूज ही नहीं करते। कोई फेनोमेना ऐसा नहीं है जिसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम न्यूटन की थियोरी अप्लाई करें। अब आप ये मत करिए कि भाई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया राइट न्यूटन कर्पस्क्यूलर थियोरी, तो आंसर में आपने लिखा द थियोरी वॉज रिजेक्टेड आई विल नॉट राइट, ऐसा मत करिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी, तो इवन दो द थ्योरी इज रिजेक्टेड यू राइट ऑल दोस पॉइंट्स व्हाट न्यूटन हैज प्रपोज्ड। क्लियर हो गई बात, यस चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन तो अधूरा रह गया, आप न्यूटन ने इतनी मेहनत करी 16th 17th सेंचुरी में देखा जाए, तो फिर क्वेश्चन तो अधूरा रह गया कि भाई लाइट है कैसी, फिर पता ही नहीं चला। इतना सारा लाइट के बारे में पता है, डिफ्रैक्शन हो रहा है इंटरफेरेंस हो रहा है, नई नई सो दुनिया के सारे फेनोमेना राइट लाइट के बारे में पता है, एक्सपेरिमेंटली मौजूद है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे हैं कि भाई कैसे हो रहे हैं, कोई उसकी सूरत बनी नहीं रही है। तो फिर 1678 में एक और साइंटिस्ट आता है, हाय उसका नाम है क्रिस्टीन हाइजिन। ओके, और इसने फिर अपनी एक थ्योरी बताई जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है, और हमारा चैप्टर भी उस थियोरी के अक्रॉस घूमता है। और ये थियोरी है वेव थियोरी ऑफ लाइट, मेनी अ टाइम्स हम इसे लिखते वक्त हाइजिन्स थियोरी भी कहते हैं। सो इन एग्जामिनेशन इफ द क्वेश्चन इज कमिंग एज लेबल्ड एज हाइजिन्स थियोरी तो भी वही लिखना है, वेव थियोरी बोलता है तो भी वही लिखना है। और ये 1678 में क्रिस्टीन हाइजिन नाम के एक साइंटिस्ट ने बताई। अब इसके लिए हाइजिन ने एक बेसिक फंडामेंटल बात सोची उसने कि लाइट हो ना हो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो लगातार चल रही है, कंटिन्यूअसली चल रही है, तो डेफिनेटली ये वेव होना चाहिए, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ वेव, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो वेव के फॉर्म में होना चाहिए तो ही ये सूट करेगा। क्योंकि आप ये कैसे बोलोगे पार्टिकल है और चल रहा है, भाई क्यों चल रहा है,
तो उसके पीछे उसको एनर्जी मानना पड़ेगा ना, और एनर्जी का सबसे पॉपुलर नोन जो एग्जिस्टेंस है वो वेव का है। तो हाइजीन ने जो पहली अजम्पशन बनाई वो ये बनाई कि लाइट एनर्जी है और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, वेव के फॉर्म में। लेकिन उसने एक कैरेक्टरिस्टिक बता दिया कि ये जो वेव है इसका नेचर लॉन्गिट्यूडनल है, यहां इसने गलती की। लेकिन ठीक है, उसकी जो थियरी है वो अजम्पशन हम पूरा चलाएंगे जैसा है वैसे। तो अकॉर्डिंग टू हाइजीन लाइट कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूड याद है आपको वो कंप्रेशन रे रिफ्रैक्शन बनते हैं ना साउंड की तरह, हाँ वैसी वाली वेव उसने उसको इमेजिन किया। ठीक है, बहरहाल लेकिन वेव इमेजिन कर दिया उसने, और वेव के सारे प्रॉपर्टीज उस पर थोप दिए उसने। वेवलेंथ आ गई, फ्रिक्वेंसी आ गई, और वो सारी चीजें जो हम लाइट के सॉरी जो वेव के बारे में बनाते हैं वो सब कुछ आ गया उसमें। अब ये कहते हैं कि जब लाइट किसी सोर्स से इमिट करती है तो उस सोर्स से अब क्या निकलेगा? ऐसे पार्टिकल्स नहीं निकलेंगे, अब क्या निकलेगा? वेव निकलेगी। तो यूं यूं ऐसे वेव निकल गई फॉर एग्जांपल। तो वेव जिस किसी मीडियम में ट्रेवल करती जाएगी वो कांस्टेंट स्पीड से एक ही सिंगल डायरेक्शन में लगातार तेजी से चलती जाएगी। तो ये इसका सेकंड पोस्टुलेट हो गया, सेकंड अजम्पशन हो गया। आप कह लीजिए These waves are emitted by the source of light and they travel with a uniform speed in a homogeneous medium. एक जैसा मीडियम अगर है, आप पूरा एयर ही एयर है, एयर की डेंसिटी भी कहीं चेंज नहीं हो रही है, सब कुछ सेम मीडियम है, तो जब तक मीडियम एक जैसा है तब तक उसकी स्पीड कांस्टेंट है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। हाँ, जैसे ही मीडियम बदला, एयर में से वाटर में चली गई, या एयर में भी एयर की डेंसिटी में फर्क पड़ गया, तो फिर स्पीड में फर्क पड़ सकता है। तो ये पॉस्टुलेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बाद में हमको रिफ्रैक्शन समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड में उस वक्त तक चलेगी जब तक के मीडियम सेम है। तीसरा और बड़ा ही सिंपल सा अजम्पशन उसने क्या बताया कि जब ये वेव्स हमारी आईज में एंटर करते हैं, हमारी आंखों में जाते हैं, तो हमें सेंसेशन मिलता है, लाइट की मौजूदगी का एहसास होता है, हम लाइट को फील करते हैं, फील से ज्यादा बोलना चाहिए, सेंस करते हैं, ओनली व्हेन दे एंटर इन अवर आईज। अगर ये वेव्स हमारी आंखों में एंटर न कर सके, हमने कुछ आंखें ढक ली, चश्मा वश्मा पहन लिया, कुछ भी बना दिया आपने मतलब, और लाइट मौजूद है तो हमारी स्किन उसको सेंस नहीं कर पाएगी कि लाइट है। बात समझ आ रही है? आगे फिर उसने एक और बात बताई कि लाइट के जो कलर्स होते हैं वो कलर्स लाइट की डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से आते हैं। ये हाइजीन बता रहा है, मैं कुछ चीजें एक्सेप्टेबल हैं, कुछ चीजें और क्वेश्चनेबल हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क आएगा उस पर बाद में, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल पर क्वेश्चन मार्क आएगा बाद में। ठीक है, तो जैसी थियोरी है जैसे उसने बोला हम उसमें पूरी ईमानदारी बरतेंगे कि भाई जो उसने बोला हम बता रहे हैं। सो ही सजेस्टेड कि जो अलग अलग वेवलेंथ है लाइट की उसके अकॉर्डिंगली हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे। अब एक जगह आगे हाइजिन फंस गया और बहुत बुरा फंसा, जिसकी वजह से उसकी थियोरी पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हाउएवर द थियोरी इज मेजॉरिटी लेवल पर एक्सेप्टेड है और बहुत सारे फिनोमेनाज हम वेव थियोरी से ही समझते हैं, लेकिन एक जगह आके वो फंस गया। उसने क्या कहा, लाइट क्या है? लॉन्गिट्यूड बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लेकिन उसने क्या बोला, वेव्स है। में जिस जमाने में हाइजिन ये थियोरी बता रहा था उस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट नहीं था, 1678 की बात चल रही है। तो उस वक्त वेव का मतलब एक ऐसी एनर्जी जो किसी मीडियम में चल रही है, मीडियम बताना जरूरी है। जैसे आपको पता है रोप पर हमने वेव बना दी फॉर एग्जाम्पल, साउंड जो बन रहा है वो हवा में बन रहा है, तो एयर यहां पे मीडियम है। तो यहां आके हाइजिन फंस गया, उससे फिर सवाल हुआ भाई अगर लाइट वेव है तो वो कौन से मीडियम में चलती है? तो हम देखेंगे सही, लाइट एयर में चल रही है, ग्लास में भी तो चल रही है, वाटर में भी प्रोपोगेट करती है, कोई दूसरा क्रिस्टल ले लें, ट्रांसपेरेंट ले लें, उसमें भी चल रही है, और कमाल की बात है वैक्यूम में भी प्रोपोगेट करती है। तो फिर लाइट के प्रोपोगेशन का मीडियम क्या है? लाइट की जो वेव है वो किस पे सवार है? लाइट की जो वेव है वो किस में मूव कर रही है? तो यहां हाइजिन ने गेम कर दिया, चूंकि इस चीज का आंसर ही नहीं है। आप कैसे बताएंगे भाई अगर एयर में चल रही है तो आप बोलेंगे एयर में चल रही है, अब वैक्यूम में चल रही है तो आप क्या बोलेंगे? आपको बोलना पड़ेगा ना वैक्यूम में ऐसा क्या है भाई जिसपे वेव बन गई, आप सोचें।
तो आज की डेट में तो हम बोलेंगे सर वैक्यूम में मतलब ऐसे वेव जिसके लिए मीडियम की जरूरत ही नहीं है, ये आज की डेट में हम बोलेंगे। उस वक्त तो ये कंसेप्ट ही नहीं था, उस वक्त तो कंसेप्ट ये था कि अगर वेव है तो वो मीडियम में ही बनेगी। इस बात को जरा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में रखिए। क्लियर भी बात? यस हाँ, तो यहां आके वो फंस गया। उसको फिर ये समझाने नहीं आया ये कौन सा मीडियम है, तो उसने एक तुक्का लगाया। मैं ऐसे तुक्का ही कहूंगा बिकॉज बेतुकी बात ही कर दी उसने। आप गौर से सुने क्या बोला उसने। उसने बोला लाइट जहां कहीं भी चल रही है तो वो चाहे वैक्यूम में, चाहे एयर में, चाहे वाटर में, चाहे ग्लास में, चाहे किसी दूसरे लिक्विड में, अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो, या चाहे किसी भी किस्म के ट्रांसपेरेंट मटेरियल में वो चल रही है ना, तो वो एक्चुअल उस मीडियम में न चलते हुए एक इमेजिनरी मीडियम में चलती है, एक हाइपोथेटिकल मीडियम में चलती है, जिसका नाम उसने क्या रखा, ल्यूमिनिफेरस ईथर। क्या नाम रखा उसने इसका, ल्यूमिनिफेरस ल्यूमिनिफेरस ईथर। मतलब जैसे समझाने के लिए, अब लाइट चल रही है एयर में, तो वो कह रहा है एयर में नहीं चल रही, एयर में जो ल्यूमिनिफेरस ईथर है लाइट उसमें मूव कर रही है। फिर हम बोलेंगे नहीं लाइट तो वाटर में प्रोपोगेट करती है, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं वाटर में नहीं कर रही, वाटर के अंदर जो ल्यूमिनिफेरस ईथर है ना वो उसमें प्रोपोगेट कर रही है। कंसेप्ट समझ रहे हैं आप क्या क्या कह रहा है वो। थोड़ा अजीब है, बिल्कुल बेतुकी बात है। अब खुद ही बोल रहा है कि वो कैसा मीडियम है, इमेजिन इमेजिनरी। और वो बाद में ये भी बोलता है कि ल्यूमिनिफेरस ईथर सब जगह रहता, वैक्यूम में भी रहता बोलता वो, ठीक है ना। तो फिजिकल फॉर्म में तो वैक्यूम वैक्यूम है, मतलब मटेरियलिस्टिक लेवल पे वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ल्यूमिनिफेरस ईथर है, उसका बोलने का मतलब एक ऐसा मीडियम जो इमेजिनरी है। और ये बात बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठाएं कि ल्यूमिनिफेरस ईथर के बारे में अगर उसकी प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन करें तो उसकी डेंसिटी कितनी है, जीरो जीरो, और उसका ट्रांसपेरेंसी 100% है, ठीक है। बिल्कुल अजीब बात। तो ये पूरी तरीके से कहानी है, मनगढ़ंत बात है ये, लेकिन हम ईमानदारी बरतेंगे, हम वही बोलेंगे भाई जो हाइजिन ने बोला, हम अपना अंदर कोई इमोशन नहीं घुसड़ेंगे यार तू गलत बोल रहा है, वो तो बाद में बोलेंगे हम कि तूने गलत बोला, अभी तो हम इस बात को मान लेते हैं कि हाइजिन ने क्या क्या बोला। क्लियर हुई बात? यस अब जब हम इस थियोरी को फैक्ट्स पर, एक्सपेरिमेंट्स पर, प्रैक्टिकल्स पर चेक करते हैं तो हम ये पाते हैं कि बहुत सारी चीजें इसमें फेवरेबल हैं, अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, मेरिट पर हैं, करेक्ट हैं। तो वो कौन सी बातें हैं, तो आइए फटाफट इस चीज को देख लेते हैं। इसमें मैं कोई टाइम पास नहीं करता हूं, एक साथ में दो तीन पॉइंट पुटअप करने जा रहा हूं। तो हाइजिन की थियोरी के मेरिट्स ये निकलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट रेरर मीडियम में ग्रेटर है, तो हाइजिन की थियोरी से ये प्रूफ होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूफ किया जा सकता है। दूसरा, साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन परफेक्ट लेवल पर जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है पूरी तरीके से, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हो, इंडिविजुअली हो, साइमल्टेनियसली हो, जैसा भी हो, वो सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। और दो चार जो नए नए फिनोमेना हमको पता चले थे इन दोज डेज, जैसे कि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, बस इससे आगे नहीं बढ़ना, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन बस यहां तक ही, ये भी एक्सप्लेन हो जाते हैं। ओके, तो मोर और लेस हमें ये कहना पड़ता है कि भाई ये थियोरी करेक्ट है, सही है, बहुत कुछ इसमें ऐसा है जिसे एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन वही एक बात अधूरी ऐसी भी आती है कि बहुत कुछ इस थियोरी में ऐसा भी है जो क्वेश्चनेबल है, जिसमें लिमिटेशंस हैं, जिसमें खामियां हैं, ठीक है ना, कमियां हैं, जिसमें जो पूरी नहीं है। आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं, तो यस ये चीज भी हमें समझ लेना चाहिए। ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन की तरह पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ द हाइजिन्स थियोरी। सो देर आर इन ऑल फोर लिमिटेशंस एज वी कंसिडर अवर टेक्स्ट बुक, वी कैन जस्ट एग्जैगरेट दिस और बड़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं, बट एज वी कंसिडर फॉर अ 2 मार्क क्वेश्चन। पहला ये कि हाइजिन ने रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं किया। रेक्टिलीनियर मतलब बिल्कुल सीधा चलना, स्ट्रेट। हाँ वेव कैसे सीधा चलेगी, वेव में तो आगे पीछे ऊपर नीचे है ना, ये यस हाइजिन को बताने नहीं आया 100%, क्योंकि अगर आप उसको वेव का नेचर दे रहे हो तो फिर वेव में तो हरकत होगी ऊपर नीचे आगे पीछे, कुछ तो आपको वेरिएशन दिखाने पड़ेंगे उसमें।
लेकिन लाइट तो बिल्कुल एक रे की तरह सीधा चलती है, बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल, जरा बराबर भी आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होगी, कुछ नहीं होगा उसके अंदर, बिल्कुल रेक्टिलिनियर, एक ही डायरेक्शन में, परफेक्ट एक डायरेक्शन में चलेगी। तो हाइजिन ये नहीं बता पाया, हालांकि कुछ हद तक हाइजिन ने डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बता दी आगे चल के, लेकिन रेक्टिलिनियर जिसे बोले ना एकदम परफेक्टली सीधा, वो नहीं बता पाया। दूसरा, हाइजिन के दौर के बाद जो और नए नए फिनोमेनाज आए अपार्ट फ्रॉम डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, कुछ और फिनोमेना बाद में पता चले, और वो फिनोमेनाज हैं पोलराइजेशन। अच्छे से याद रखिए इनको, क्योंकि इसके एमसीक्यूज पूछते हैं कि कौन सा फिनोमेना हाइजिन बताया और कौन सा नहीं बताया। हाइजिन ने इंटरफेरेंस बताया, डिफ्रैक्शन बताया, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बताया, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया उसने। पोलराइजेशन नहीं बता पाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बता पाया, कॉम्प्टन इफेक्ट नहीं बता पाया। दिमाग में रखिए ये नाम, इनफैक्ट हमें पढ़ना भी है ये सारे, ये दो तीन तो पढ़ लेंगे हम, कॉम्प्टन इफेक्ट भी पढ़ेंगे। तो ये नहीं बता पाया। वेव थियोरी के अजम्पशंस पर इन फेनोमेनास को एक्सप्लेन करने बैठे तो पूरा नहीं पढ़ रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। अगला लिमिटेशन इसका सबसे बड़ा, सबसे मेजर फेकम फाक जो कर दी इसने, क्या फेकम फाक कर दी उसने? ल्यूमिनिफेरस ईथर, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसका एग्जिस्टेंस साबित करें ना भाई। तो उसने ऐसे ही हवा में एक तुक्का बना के फेंक दिया भाई, चलो। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर मिस्टेक उसने की, वो याद रखें, उसने लाइट को वेव माना, यहां तक सही था, लेकिन वेव के नेचर को गलत चॉइस किया उसने। लाइट का नेचर लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, बल्कि कैसा है, ट्रांसफर लाइट में कंप्रेशन में रिफ्रैक्शन नहीं बनेंगे बल्कि क्रेस्ट एंड ट्रफ बनेंगे। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो जो मेजर मिस्टेक उसने की ना, वो यही की कि लाइट को उसने लॉन्गिट्यूडनल माना, हालांकि लाइट इन इट्स नेचर कैसी है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स अब हम, हमारे मन में क्वेश्चन आएगा, तो फिर इस थ्योरी को क्या करें, एक्सेप्ट करें क्या, रिजेक्ट करें? जैसे न्यूटन की थ्योरी तो हमने पूरी डिस्कार्ड कर दी, पूरी रिजेक्ट कर दी, कुछ भी उसमें का, एक भी पॉइंट हमने उसमें का नहीं लिया। तो हाइजिन की थियोरी में चूंकि बहुत सारे मेरिट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो फैक्ट्स को वैलिडेट करते हैं, फैक्ट्स को कंफर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंटली ट्रू साबित होते हैं, तो हम इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं कर सकते। हम इस थियोरी को एक्सेप्ट करते हैं विथ इट्स लिमिटेशंस, इसकी इन लिमिटेशंस के साथ हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि रेक्टिलिनियर हम हाइजिन से नहीं बता सकते हैं, हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट और पोलराइजेशन हम हाइजिन से नहीं बता सकते हैं, लाइट का नेचर लॉन्गिट्यूडनल नहीं है बल्कि ट्रांसवर्स है, हालांकि वेव ही है लेकिन ट्रांसवर्स है, और जो मेजर ड्रॉबैक है कि भाई हम ल्यूमिनिफेरस ईथर के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। विद दीज लिमिटेशन हम इस थियरी को एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते। ठीक है, बात समझ आई? यस अब फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर 19 सेंचुरी में, 20 सेंचुरी के बिगिनिंग में कह लें आप, एक और साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम है मैक्सवेल। इन्होंने अपनी एक थियोरी बताई लाइट के बारे में। अब इन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए, लेकिन जो चेंजेस या जो करेक्शंस इन्होंने किए हाइजिन की थियोरी में, वो रिक्वायर्ड थे, जिससे सारे मसले हल हो गए, जिससे ये जो लिमिटेशंस हैं इनका एक्सप्लेनेशन हो गया। इन्होंने बड़ी सिंपल बात की, इन्होंने बोला लाइट वेव है, नो डाउट लाइट वेव है, हाइजिन ने बिल्कुल सही बोला, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव बोला उन्होंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे ही हम बोलते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो ये ल्यूमिनिफेरस ईथर का जो बेवकूफ वाली बात, एकदम मतलब अजीब सी बात थी, ये कट हो गई, अपने आप में कट हो गई। फिर जब इन्होंने बोला कि लाइट वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस कैसा होता है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स तो ये वाला लिमिटेशन भी खत्म हो गया। जैसे ही उन्होंने लाइट को ट्रांसवर्स माना, कौन सा फिनोमेना एक्सप्लेन हो गया? पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन एक्सप्लेन हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम नहीं एक्सप्लेन हुआ, लेकिन पोलराइजेशन हुआ। हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन को, ढूंढ परी, बस फिलहाल इस स्टेज ऑफ लर्निंग पे मैं आपको यह कहूंगा कि याद रखें कि पोलराइजेशन ये एक ऐसा फिनोमेना है जो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में ही हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता ही नहीं है ये। अब लाइट का पोलराइजेशन हो रहा है,
तो डेफिनेटली एक्सपेरिमेंटल लेवल पर अगर लाइट का पोलराइजेशन हो रहा है तो लाइट का नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस कैसा होना चाहिए? ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स होना चाहिए, इट कैन नॉट बी लॉन्गिट्यूडनल। तो जैसे ही मैक्सवेल ने ये बोला तो पोलराइजेशन का मामला भी निपट गया। तो ये थियरी बहुत लेवल पर एक्सेप्ट की गई और आज भी हम मैक्सवेल की थियरी को अप्लाई करते हैं, मैक्सवेल की थियरी से बहुत कुछ यूज करके हम लाइट के फिनोमेनास को समझने की कोशिश करते हैं। ये रहे उसके पॉइंट्स। ये पॉइंट्स मैं इसलिए पुट अप कर रहा हूं कि आप बाद में अपने नोट्स पूरे कर लें। अब यहां पर इसने कुछ फॉर्मुलेज भी बताए हमको कि जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो स्पीड ऑफ लाइट हम लोग ऐसे लिखेंगे, 1/μ0ε0, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, किसी दूसरे मीडियम में जाएंगे तो हम लिखेंगे 1/μ ε एंड सो ऑन। जब हम इसके स्टैंडर्ड वैल्यूज को पुट अप करते हैं 8.85 और 10^-12 या 4.10^-7 एंड ऑल दैट, तो हमको लाइट की एक स्पीड का नंबर भी मिल जाता है, दैट इज 3×10^8। एक बार तो सीईटी या जेई के क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि 1/μ0ε0 रूट में जो फैक्टर है उसका यूनिट क्या है। तो बच्चों ये चीज हमें फाइनली किस किस बात को प्रोवाइड कर रही है? स्पीड। स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। चाहे तो डायमेंशन में निकाल सकते हैं हम m1 l0 sorry m0 l1 t -1। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर सिर्फ ये फैक्टर दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज इट्स यूनिट एंड व्हाट इज इट्स डायमेंशन, तो कोई डरे नहीं, मीटर पर सेकंड के हिसाब से आप उसके डायमेंशन और यूनिट को मेंशन करें। ठीक हो गया? यस यस। अब यहां तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारे फिनोमेनाज निपट गए, मीडियम मीडियम के जो इश्यूज आ गए थे वो भी निपट गए, एक्सप्लेनेशंस अच्छे से हो गए, लाइट की वेव नेचर को भी सही तरीके से चॉइस किया गया, लॉन्गिट्यूडनल की बजाय ट्रांसवर्स भी माना गया, पोलराइजेशन भी वर्कआउट हो गया, लेकिन एक जगह फंस गए हम और वो हम फंसे हैं यहाँ। कौन सा फिनोमेना ये? फोटोइलेक्ट्रिक। हम लाख कोशिश करें तो वेव नेचर के कंसीडर करते हुए हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, चाहे जो करना है कर ले। वेव जब तक हम लाइट को मान रहे हैं तो हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा सकते, इनफैक्ट कॉम्प्टन को भी नहीं समझा सकते। अब कॉम्प्टन में तुम्हें ज्यादा नहीं जा रहा हूं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से बात कर, हम लाख कोशिश करें चाहे जो कंसिडरेशन कर ले, जब तक हम लाइट को वेव मान रहे हैं तब तक हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमसे कुछ गलती हो रही है लाइट को समझने में। ठीक है, क्योंकि इफेक्ट प्रैक्टिकली हो रहा है, ये जो जो भी इफेक्ट है ये बाद में थियोरी में पढ़ लेंगे हम लोग होपफुली इसको, जो भी इफेक्ट है ये प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट हो रहा है, होता हुआ नजर आ रहा है, प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, रीडिंग्स आ रहे हैं, वैल्यूज पता चल रही है हमें, बाकायदा होता हुआ देख रहे हैं हमसे। लेकिन जब हम उसका एक्सप्लेनेशन तैयार करते हैं और उस एक्सप्लेनेशन में हम लाइट को वेव मानते हैं तो हम इस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लाइट के नेचर या उसके एग्जिस्टेंस को समझने में अभी और कुछ हमें ऐड करना है, अभी और कुछ करेक्शन हमें करने पड़ेंगे, अभी और कुछ नया फॉर्मेट हमको इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये additions या ये explanation हमें देती है मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, लास्ट थ्योरी जो हमारे सिलेबस में हम लोग डिस्कस करते हैं, और आज भी हम इसी थ्योरी पर लाइट को मान के अपना सारा काम करते हैं। ठीक है, ये रिसेंट डेवलपमेंट है ऐसे समझ लीजिए। अब आपको ताज्जुब लगेगा कि हम मैक्स प्लैंक थ्योरी में वही कहते हैं जो न्यूटन ने कहा था। न्यूटन ने क्या कहा था? लाइट क्या है? टाइनी पार्टिकल। पार्टिकल है। मैक्स प्लैंक भी कहता है कि लाइट पार्टिकल है, लेकिन लेकिन एक बहुत बहुत बड़े चेंज के साथ। मैक्स प्लैंक कहता है कि लाइट इज अ पार्टिकल ऑफ प्योर 100% एनर्जी, मैटर का कोई रोल नहीं है उसमें, वो एनर्जी का एक बॉल है, उसका कोई मास नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस, उसकी मौजूदगी पूरी पूरी तरीके से 100% प्यूरिटी के साथ पूरे प्योर फॉर्म में वो एनर्जी ही है। वो मासलेस वेटलेस बोलने का फंडा ही नहीं है, वो है ही एनर्जी, मास का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो देखो, जब न्यूटन ने सोचा था तो सही सोचा था,
उसकी तारीफ करना चाहिए इस लाइन पर तो, लेकिन उसके कंसिडरेशंस में थोड़ी सी गलती हुई। क्या गलती हुई बताएंगे आप? उसने पार्टिकल ऑफ मैटर माना, उसने बोला रिजिड है, उसने बोला भाई टाइनी है, वेटलेस है, कम वेट है, ठीक है ना, इलास्टिसिटी परफेक्टली है, वो सारे मैटर वाले प्रॉपर्टीज उसने लगाए उसको। हालांकि मैक्स प्लैंक ने उस बात को कैसे करेक्ट किया, उसने बोला भाई पार्टिकल तो है लेकिन पार्टिकल ऑफ मास या मैटर नहीं है, पार्टिकल ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल ऑफ एनर्जी, और ये जो सबसे टाइनी स्मॉल पार्टिकल ऑफ एनर्जी हमारे सामने लाइट का बनता हुआ हमको नजर आएगा, सोर्स से निकलता हुआ नजर आएगा, इसे हम कहते हैं क्वांटा। क्या बोलेंगे हम इसको? क्वांटम। क्वांटा, ठीक है, उसी से बना क्वांटम। क्वांटा का मतलब होता है पहला हिस्सा, फर्स्ट पार्ट जिसे हम कहेंगे स्मॉलेस्ट पार्ट, जिससे मिलकर बाकी चीजें बनी हैं। जैसे कि हमारी बॉडी का क्वांटा क्या है? सेल। हमारी पूरी बॉडी का क्वांटा सेल है, क्योंकि एक सेल उसको बाद में बायोलॉजिकली ग्रोथ करते करते फिर हमारी पूरी बॉडी एग्जिस्टेंस में आ गई है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट जिसे हम कहेंगे, जिसके रिप्लिकेशन में, जिसके डुप्लीकेट बनाते 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 हम पूरे स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है, जो सबसे छोटा हिस्सा है, उसे हम क्वांटा कहेंगे। हमारी इंडियन करेंसी का क्वांटा क्या है? 1 रुपी, है ना। आपके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज हैं, लेकिन उसका सबसे पहला हिस्सा आप निकालेंगे तो क्या है? 1 रुपीज है। बात समझ आ रही है ना? आपके क्वांटा का मतलब समझ रहे हो? Yes. मैं और करेक्ट कर दूं अपनी बात को, कि अगर हम हमारी बॉडी का क्वांटा ढूंढ के निकालेंगे ना, तो वो डीएनए है, वो डीएनए का स्ट्रैंड है, समझ रहे हैं, उसी से हमारी बॉडी बनी है। एनी हाउ, यहां एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू पे हमको बात करनी है। तो मैक्स प्लैंक कहता है कि पार्टिकल ऑफ एनर्जी लेबल्ड एज क्वांटा, इन पर्टिकुलरली कहा जाए जब लाइट के क्वांटा की बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं फोटोन। क्या बोलेंगे हम उसको? फोटोन, ठीक है, पर्टिकुलर नाम दिया हमने उसको फोटोन। और उसकी एनर्जी हमने डिस्क्राइब कर दी कि भाई हर एक इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी ऐसे लिखेंगे। हम इस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे के मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स में, यहां सिर्फ मैं इंट्रोडक्टरी बात अपनी रख रहा हूं, तो ऐसे ना समझें कि सर ने इतना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन क्यों दिया। तो हर एक फोटोन की एनर्जी इतनी होती है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये साइन न्यू है, न्यू का मतलब यहां हमें लेना है फ्रिक्वेंसी, ये देखिए फ्रिक्वेंसी, या हम लिखते हैं एच सी बाई लैमडा, लैम्बडा इज वेवलेंथ, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, एंड दिस एच इज नथिंग बट प्लैंक्स कांस्टेंट। ये मैक्स प्लैंक के नाम पर इस कांस्टेंट को रखा गया है। आइए अब इसमें डेटा की बात करते हैं। तो जब हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं सी, तो स्टैंडर्ड 3 × 10⁸ m/s, एच की बात करते हैं 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, नंबर याद रखना है आपको 6.63 × 10⁻³। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो लाइट का क्वांटा होता है इसकी एनर्जी बहुत कम रहती, बहुत, एक सिंगल क्वांटा की बात करें ना तो एनर्जी बहुत कम रहती। अब इतनी कम एनर्जी है तो जूल वो बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा उसके लिए, तो हम छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अक्सर हम लाइट के इस फोटॉन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं, तो मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो 1.9 × 10⁻¹⁹ मास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह से डिवाइड करके बनाते हैं। मैं यहाँ उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस कन्वर्जन कन्वर्टेड वैल्यू याद रखिए, 4.14 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। जब हम इस चीज को शॉर्टकट में कैलकुलेट करना चाहें, इजी कैलकुलेशन हमें एनर्जी का निकालना है, तो एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, तो मैंने इसका एक फॉर्मूला तैयार कर लिया। एनर्जी डायरेक्टली किसमें मेजर होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये एच और सी का कन्वर्टेड वैल्यू यहां पे कितना आएगा? 12400, मैं आम जुबान में बोलता हूँ 12400। क्या बोलता हूं मैं इसको? 12400 बोले याद रहता है, ठीक है ना, 12400 12400, ये सब ये नंबर्स पुटअप करने के बाद आए हैं। और आपको लैम्बडा का वैल्यू डायरेक्टली किसमें लिखना है? एंगस्ट्रॉम। तो आप ये नंबर यहाँ पे पुटअप करें डायरेक्टली, लैम्बडा का वैल्यू एंगस्ट्रॉम में पुटअप करें, 12400 ले लें, एच सी वगैरह ये सब आ गए इसमें, पूरा कैलकुलेशन होने के बाद सीधा सीधा हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, आपको ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो ये डिस्क्रिप्शंस किसने बताए? मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ने। तो ऐसी ये चार
थियोरीज हैं जो हमारे सिलेबस में है। आइए एक दो चार क्वेश्चंस हैं, मैं फटाफट आपके सामने ये क्वेश्चंस रखता हूँ। हालांकि आज का लेक्चर पूरी तरीके से थ्योरेटिकल कंसिडरेशन पर ही था, बट जस्ट टू कंप्लीट द इलस्ट्रेशन लेट्स डू फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। फाइंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद रेड एंड वायलेट फोटोन। आप जानते हैं रेड जो फोटोन होगा उसकी वेवलेंथ होगी 8000 एंगस्ट्रॉम, और जो वायलेट फोटोन होगा उसकी वेवलेंथ होगी 4000 एंगस्ट्रॉम। ये हम 11 में पढ़ चुके हैं। अगर हम रेड फोटोन की एनर्जी निकालना चाहें तो हम लिखेंगे 12400 डिवाइडेड बाय रेड फोटोन की वेवलेंथ डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में। नोटिस करें मैं ये फॉर्मूला सीधे सीधे उठा रहा हूं, मैंने प्रॉब्लम्स को आसान कर दिया। ये एच के सी के बड़े बड़े नंबर्स वैल्यूज जूल वूल में पुटअप करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हो गया। ये कैंसिलेशन होंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये डेसिमल इधर आया 12.4 डिवाइडेड बाई 8। बताएं आंसर क्या आएगा? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेक दैट पॉइंट क्लियर? यस। अब हमने फिर किया कैलकुलेशन वायलेट फोटोन के लिए। वायलेट फोटोन की एनर्जी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है 12400, वायलेट का वेवलेंथ 4000, ये दोनों जीरो कट गए, ये जीरो कट गया, इधर डेसिमल शिफ्ट हुआ, आंसर आया 12.4 डिवाइडेड बाय 4। आंसर क्या आया? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने देखा रेड के मुकाबले में वायलेट की एनर्जी ज्यादा है। इसका सीधा मतलब ये है कि जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी एनर्जी कम, और सबसे कम एनर्जी रेड फोटोन की होती है और सबसे ज्यादा एनर्जी जो है विजिबल लाइट के लिए वायलेट फोटोन की निकलेगी अगर हम उसे वेवलेंथ पर कंपेयर करें। क्लियर हो गई बच्चों बात? Yes. चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लें, बिल्कुल हल्के फुल्के क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन रिक्वायर करेगा, बाकी सब कुछ एकदम सादा सीधा है। फाइंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला, आप में से कोई बताएगा मुझे क्या आएगा आंसर? 12400 डिवाइडेड बाय 5000। See, I have made the calculations very simple. You don't have to bother about H value. 6.63 10 to the power minus 34. C value 3 into 10 to the power 8. वो भी जूल में है, फिर बाद में और कन्वर्जन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हो गया। 12.4 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया आंसर? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीधे सीधे हो गया। You don't have to bother about it. आइए एक और करते हैं, लेट्स टेक अनदर वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस बार मैंने वेवलेंथ नहीं दी आपको, इस बार फ्रीक्वेंसी दी, तो आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एनर्जी का फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू एच न्यू। अब एच का वैल्यू क्या लिखें? तो वी हैव टू चॉइसेस, या तो हम सीधे जूल सेकंड का वैल्यू ले लें, या कन्वर्टेड नंबर ले लें आप उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं प्रेफर करता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 4.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, ये नंबर्स आपने अच्छे से याद रखने हैं। इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 इंटू 10 टू द पावर प्लस 15। सोचे माइनस 15 प्लस 15 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लीकेशन करें, बताएं आंसर। 16.5 सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस आप चाहें तो यहां H का वैल्यू ये ले सकते हैं, बट द आंसर विल कम इन जूल, ठीक है। बट आई विल ऑलवेज प्रेफर टू कैलकुलेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जितने भी कैलकुलेशन हम करते हैं 90% 99% कैलकुलेशन हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही करते रहते हैं। एक आध दूसरा कहीं प्रॉब्लम ऐसा आ जाता है जहां पर हमको थोड़ा सा जूल में जाना पड़ता है, उसके लिए भी मैं शॉर्टकट्स आपको बाद में बता दूंगा एट द एंड। फिलहाल हमारा इंटरेस्ट इस बात पर नहीं है कि लाइट के फोटोन होने पर हम डिस्कस करें, हमारा इंटरेस्ट वेव थ्योरी के कंसिडरेशन पर होने वाला है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, वी हैव टू मोर क्वेश्चंस टू गो, उसमें का ये आखिरी। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर क्वांटम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से अरेंज करना है। ब्लू लाइट, येलो लाइट, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, क्या कहते हो? तो ये चीज ना मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं,
वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम निकालें, सर्च करें और वेवलेंथ से चेक करें, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम, या फ्रीक्वेंसी से चेक करें, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। नोटिस कर रहे हैं आप, फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेवलेंथ के साथ इनवर्सली। सो दिस इज योर होमवर्क, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा बट आप करें, ठीक है, कर लेंगे इसको। yes. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वन फॉर टुडेज क्लास एंड देन वी विल एंड। सन गिव्स लाइट एट द रेट ऑफ 1400 वैट पर मीटर स्क्वायर। बच्चों ये जो वैट पर मीटर स्क्वायर होता है ना, ये एनर्जी इंटेंसिटी का यूनिट है, ये इंटेंसिटी। वैट मतलब हो गया पावर, अपॉन पर मीटर स्क्वायर मतलब हो गया एरिया, करेक्ट है, पावर अपॉन एरिया। अच्छा आप ये बताएं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेवलेंथ इतनी है 6000 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, कितने फोटॉन सन से निकलते होंगे ये निकालना है एक सेकंड में, खतरनाक सवाल है। अराइविंग एट 1 मीटर स्क्वायर एरिया एट दैट पार्ट ऑफ द अर्थ एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सन पर सेकंड अज्यूमिंग द एवरेज रेडियस एंड सो ऑन, ठीक है, तो मैं टोटल फोटोन निकाल देता हूँ कितने आ रहे हैं। तो एक बात सोचें, ये जो पावर होती है इसे कैसे लिखा जाए, तो क्या हम इसे ऐसे लिखेंगे एनर्जी अपॉन टाइम यस इनटू ये एरिया नीचे का जैसा वैसा, ठीक है। अब सोचें बेटा ये एनर्जी कैसे लिखेंगे, अगर आप दिमाग चलाएंगे तो एनर्जी ई हो जाएगी, करेक्ट है, डिवाइडेड बाय टाइम टी इनटू एरिया ए। लेकिन एक बात आप नोटिस करें बच्चों, जब भी हम ये ई लिखते हैं, ये टोटल एनर्जी है क्या एक फोटोन की एनर्जी है? टोटल गलत गलत गलत। जब भी हमने यहां ई लिखा, ये ई जब भी हमने कैलकुलेट किया, हमने ये टोटल पूरी कितनी एनर्जी बन रही है नहीं लिखा हमने, क्या बोला, कैरीड बाय ईच फोटोन, ईच फोटोन। मतलब ये जो ई फैक्टर है ये किसके लिए है, पूरी टोटल एनर्जी है क्या एक फोटोन की है? एक फोटोन की। तो टोटल कैसे लिखेंगे, टोटल लिखने के लिए हम इसके सामने लगाएंगे एन, ऐसे एन फोटोन मिलाएंगे तो टोटल एनर्जी आएंगे, क्लियर भी बात। यस तो देखें ध्यान से कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना, एन ई डिवाइडेड बाय टी इंटू ए। इसका सीधा मतलब है एन बाई टी इज इक्वल टू आई ए डिवाइडेड बाई ई, करेक्ट है। तो एन डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू आई ए डिवाइडेड बाई, अगर मैं गलत नहीं हूं, एच सी बाई लैमड़ा, क्या कहते हो? यस बिकॉज ई इज एच सी बाई लैमड़ा। आप सोचें ये एन बाई टी जो है ना, ये वही चीज है ना, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, कितनी इंटेंसिटी है। चलो ये आई लिखते हैं जैसे वैसे फिलहाल, इनटू अगर मैं टोटल सरफेस एरिया देख लूं इसका तो 4πr², क्योंकि ऐसा सन रहा होगा और सन के अक्रॉस ये पूरी लाइट तरफ फैल रही होगी, है ना, तो ये जो पूरा रेडियस इसका बनेगा, थोड़ा सा मैं तेजी से कर रहा हूं, ये बीच में सन है मान लो, ये यहां से यहां इसका रेडियस है, तो सन से जो लाइट निकलेगी तो सब तरफ फैलेगी, तो ये 4πr² इस पूरे पॉसिबल सर्कल का हो गया ना एरिया, जितनी लाइट वहां तक पहुंच रही है, करेक्ट हो गई ना बात। यस सर। इनटू वेवलेंथ बताएं, चलो वेवलेंथ लैम्बडा है डिवाइडेड बाय ये एच और ये सी। अब वैल्यूज पर बात करते हैं, आई 1400, 4π 12.56, रेडियस आप देखें ये रेडियस है 1.49 × 10⁻¹1, सन से लेके अर्थ तक का जो पॉसिबल डिस्टेंस है उसी को रेडियस माना गया यहाँ पे, ये चीज, क्योंकि सन की लाइट अगर अर्थ तक आ रही है तो यहाँ बाजू में भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, एक पॉसिबल पूरा एरिया बनेगा उसका, स्फीयर बनेगा उसका। क्या ऐसा है कि सन से लाइट निकल रही है और खाली अर्थ तक आ रही है, ऐसा है क्या? नहीं ना, सब तरफ जाएगी ना। यस तो ये उसका पॉसिबल रेडियस हो गया 1.49 × 10⁻¹1,
सो दैट इज गोइंग टू बी 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 एंड इसका स्क्वायर इंटू वेवलेंथ जहां तक मुझे याद है 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का कन्वर्जन 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 11 में कर चुके हैं हम, ये गलती ना करें, करेक्ट जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय एच 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8. तो ये लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे तो इसका आंसर मैं सजेस्ट कर रहा हूं यहां पे 1.178 इंटू 10 टू द पावर 45 फोटॉन्स पर सेकेंड. तो सूरज से इतने फोटोन एक सेकंड में निकल रहे हैं भाई, देखो, क्लियर हो गई बात? यस. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास. अब क्वेश्चन आता है कि सर हमने चारों थ्योरी तो पढ़ ली, न्यूटन की थ्योरी देख ली, हाइजेन की थ्योरी देख ली, मैक्स प्लैंक की देख ली, मैक्सवेल की देख ली, इसमें से हमको क्या करना है अभी? तो यहां मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चैप्टर का नाम देखें कैसा है आप, वेव ऑप्टिक्स. मतलब हम लाइट के कौन से नेचर को मान के अभी आगे काम करने वाले हैं? वेव नेचर, जिसमें हम हाइजेन की थ्योरी को भी कंसिडर करेंगे और जरूरत पड़ी लास्ट लास्ट में तो मैक्सवेल की थ्योरी को भी कंसिडर करेंगे. लेकिन हम लाइट का एग्जिस्टेंस कैसे इमेजिन करेंगे? अब कल से, मतलब अगली क्लास से जो भी मैं बात करूंगा ना, उसमें बस ये याद रखना है कि लाइट को हमें वेव मान के बात करनी है, ठीक है? तो ये है इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का एंड ऑल दोज थियरीज विच आवर सिलेबस कवर्स. ठीक, रुक जाए.